अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये होंडा सिटी का वायरिंग है, होंडा सिटी 2004 मॉडल का, और अभी वायरिंग बनाएंगे। ये गाड़ी आठों गियर में थी, अब इसको मैनुअल करेंगे। तो इसका जो दो ग्रिप है, ये दोनों ग्रिपों का डायग्राम आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये दो ग्रिप जो है, ये एक नंबर ग्रिप है और एक जो है तीन नंबर ग्रिप है। ये इसमें आठों गियर वाला जो है वो नहीं, ये मैनुअल गियर का है। तो इसका प्रॉपर वेयरिंग बिल्कुल इंशाल्लाह सारा आपको तफसील से बताऊंगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब इसकी वेयरिंग इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं। तो वेयरिंग का मैंने डायग्राम लिखा हुआ है। ये पहला जो ग्रिप है, ये उसका पिन नंबर एक जो है, ये है पिन नंबर एक, शुरू होता है नाक सेंसर से। नाक सेंसर का एक तार होता है, ये नाक सेंसर है। तो ये नाक सेंसर का जो वायर है, एक वायर होता है। उसके बाद दो जो वायर है ये खाली है, इसमें कोई तार नहीं लगा। तीन नंबर जो है ये क्रैंक सेंसर में दो नंबर तार पे लगता है। और उसके बाद O2 सेंसर जो है, ऑक्सीजन सेंसर की दूसरी वायर में लगता है ये वायर। और उसके बाद जो ये दो तारे हैं नीचे वाली, ये दोनों बॉडी अर्थ हैं। ये बॉडी अर्थ है जो गियर इंजन के साथ लगा होता है। उसके बाद इग्निशन है, जो वापसी रिले का करंट आता है, ये दोनों इग्निशन है। और उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर की तीन नंबर तार में लगता है। नौ नंबर जो है ये ऑक्सीजन सेंसर की तीसरी नंबर वायर में लगता है। इसके बाद आता है मैप सेंसर, दस नंबर पे मैप सेंसर जो है, ये मैप के तीन नंबर तार में ये लगा हुआ है। और जो टीपी सेंसर है, टीपी सेंसर के एक नंबर वायर में ये लगा हुआ है, ग्यारह नंबर। और फिर बारह नंबर मैप सेंसर के दूसरे नंबर वायर में लगा होता है। फिर ये तेरह नंबर जो है, ये स्पीड सेंसर के पहली वायर में लगा होता है, जो एक नंबर पिन है ये उसमें लगा होता है। उसके बाद ये पिन जो है बॉडी आता है। और उसके बाद जो है ये कॉइल बी, जो बैक वाले कॉइल होते हैं, ये उसकी कॉइल नंबर तीन में तीन नंबर वायर लगता है। जो बैक कॉइल है, जो पिछला कॉइल होता है, ये उसमें, ये सिटी है होंडा सिटी 2004-05 मॉडल। तो ये उसका तीन नंबर वायर में तीन नंबर पे लगता है, बैक कॉइल में। उसके बाद है टीपी सेंसर, टीपी सेंसर के दूसरे नंबर पिन में ये लगा होता है, ये टीपी सेंसर का। और उसके बाद जो सतारह नंबर है ये बिल्कुल खाली है। ये आते हैं अठारह नंबर पे, अठारह नंबर बिल्कुल खाली है। और उसके बाद चोक सेंसर जो है, चोक सेंसर आइडियल सेंसर जो होता है, ये उसका जो पहला वायर है उसका, ये एक नंबर पे लगता है। उसके बाद बीस नंबर जो है वो मैप सेंसर के तीन नंबर पे एक नंबर पे लगा होता है, ये एक नंबर है मैप सेंसर का। और उसके बाद एयर फ्लो सेंसर जो है, ये उसके एक नंबर पे लगता है। और उसके बाद 22 नंबर खाली है। ये आगे हम फ्रंट कॉइलों पे, ये फ्रंट कॉइल का जो पहला नंबर कॉइल है उसके तीन नंबर वायर लगा होता है 23 नंबर पे। ये तीन नंबर जो है ये 23 नंबर पे लगा होता है। और 24 नंबर जो है दो नंबर कॉइल पे तीन नंबर पिन पे लगता है। और ये है तीन नंबर कॉइल पे तीन नंबर पिन पे, और ये चार नंबर कॉइल के चार नंबर पिन पे, ये फ्रंट कॉइल है सारी। उसके बाद कैम सेंसर के तीसरे नंबर वायर में लगा होता है 27 नंबर तार। उसके बाद ये खाली 28, 29, 30 और 31 जो है, 29, 30 जो है ये बॉडी अर्थ, 31 बिल्कुल नहीं है, खाली है। तो अब इसके बाद ये हम दूसरा शुरू करते हैं। ये ग्रिप है 24 पिन का ग्रिप है, ये 24 पिन का जो ग्रिप है, ये 24 पिन का ग्रिप, इसके जो पहला वायर है ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई वायर नहीं लगा है। दूसरा जो है ये ऑटो फैन, जो ऑटो फैन का स्विच होता है, स्विच का जो वायर होता है वो कंप्यूटर में भी आता है, जो सबस कलर का वायर होता है, यहाँ पर लगा होता है दूसरे नंबर वायर पर। उसके बाद आता है तीन नंबर इंजेक्टर नंबर एक में आता है, ये इंजेक्टर नंबर एक में। ये जो चार नंबर है इंजेक्टर नंबर दो में है, तीन जो है, पांच जो है इंजेक्टर नंबर तीन में आता है।
और उसके बाद जो चेन नंबर वायर है ये इंजेक्टर नंबर 4 में आता है। इंजेक्टर सारे हो गए और उसके बाद जो है ये बैक कॉइल के 3 नंबर। बैक कॉइल का जो पहला बैक कॉइल है उसका 3 नंबर पे लगा होता है, जो पहला कॉइल है उसकी 3 नंबर पे, ये 3 नंबर पिन पे लगता है एक नंबर कॉइल के। उसके बाद 8 और 9 खाली है। उसके बाद ये वायर है, ये जीआर जिस गाड़ी में नहीं लगा उसमें ही नहीं लगा होता। ये है जनरेटर का, जनरेटर का जो 2 वायर होते हैं वो कंप्यूटर में आते हैं। ये जनरेटर का है, अल्टरनेटर का, ये जनरेटर का है। जनरेटर का वैसे मुझे पिन आउट याद नहीं रहा, अब वीडियो बना रहा हूँ तो चलो ये भी कर दो। ये 12 और 13 खाली है। 14 जो है ये कॉइल का इग्निशन कॉइल के दूसरे नंबर कॉइल में बैक कॉइल जो है ये उसके दूसरे नंबर कॉइल में 3 नंबर वायर लगा होता है जो, और उसके बाद जो है ये बैक कॉइल है, बैक कॉइल दूसरे नंबर जो कॉइल है उसके तीसरे नंबर पिन पे लगा होता है 14 नंबर। उसके बाद 15 खाली है। 16 जो है ये टम्परेचर का है, ECT जो टम्परेचर स्विच होता है उसका वापसी इसी वायर में आता है, उसके एक बॉडी अर्थ लगता है वापसी अर्थ, और दूसरा ये जो 16 नंबर पिन है यहाँ पर लगता है। तो उसके बाद अब चेक करते हैं 17 नंबर, 17 नंबर खाली है, और 17 के बाद 18 है, 18 भी खाली है। तो ये जो खाली है इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद उस 19 नंबर इग्निशन 4 नंबर जो कॉइल है बैक कॉइल, इग्निशन का जो बैक कॉइल है उसके 4 नंबर कॉइल की 3 नंबर वायर पे लगा होता है 19 नंबर। 20 नंबर भी खाली है और 21 भी खाली है, ये दोनों खाली है। 22 नंबर जो है वो भी खाली है, और 23 नंबर अल्टरनेटर का है, जनरेटर का है, और ये 24 नंबर जो है ये एयर फ्लो का है, एयर फ्लो सेंसर जो है ये उसमें लगा होता है। तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई, तो इंशाल्लाह।